हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आप ऐसे ही, फेस्टिवल्स का बहुत बड़ा सीज़न आ रहा है और सबसे खूबसूरत सीज़न दिवाली आ रहा है, तो आप सेलिब्रेट करिए, खुश रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही मुस्कराते रहिए। और मैं सुनिधि चौहान, मेरा भारत एंटरटेन टीवी से बात कर रही हूँ। तो आज हम कुछ बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो मेरा टॉपिक है आज क्रिकेट को लेके, जो रिसेंटली अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। इंग्लैंड और भारत का मैच चल रहा है, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मतलब स्कोरिंग है और काफ़ी मैच जो हो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब काफ़ी रोमांचक होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस मैच को। और मतलब ये फाइनल या सेमीफाइनल भी तय करती है हमारी टीम की जाएगी और मुझ जाएगी। और कल चंद्र ग्रहण हुआ पड़ा, चंद्र बहुत कष्ट में रहे और हमारे देश के जो ज्योतिष आचार्य हैं बहुत सारे, उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट दुनिया पे जो बैड इफ़ेक्ट है वो है, इंसान की बुद्धि ख़राब हो सकती है इसमें, वो लड़ाई झगड़े कर सकता है। तो इज़राइल और हमास, फिलिस्तीन, इन सब के बीच में जो खींचातानी है एक, वो ये दिखा रही है कि ऐसा हो रहा है ना। और उन्होंने भारत के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने ये कहा कि भारत की जो टीम है वो थोड़ी सी लेट डाउन होगी, लेकिन फिर से वो उठ खड़ी होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भारत की टीम को। वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे और फिर से वो उठ खड़े होंगे और मैच को वही जीतेंगे। और उन्होंने ये भी बताई खास बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि भारत की जो वृश्चिक राशि लग्न है उसकी जो कर्क राशि बनती है, जो छठवें, बारहवें से छठवें स्थान पर आता है, जिसमें किसी का भी मंगल ग्रह जो होता है वो कमज़ोर होता है, मंगल ग्रह को कमज़ोर बताया उन्होंने। और कहा कि ये थोड़ा सा नीचे ग्रह में है तो ये नुकसान कर सकता है, उसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मैच किसी भी आर्टिकलेमिटीज़ के कारण मतलब अपना रूप दिखा सकता है, अच्छा बुरा, है ना। और कहीं हो सकता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा डाउन हो। तो ये सब बातें बताएं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा बुरा कुछ होने वाला नहीं है उनके साथ, वो मतलब अच्छा कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि उन्होंने कि इस बार का जो ODI का वर्ल्ड कप है वो भी वो विन करने वाले हैं, यानी इंडिया विन करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि चलो फाइनली कहीं तक। लेकिन उनकी भविष्यवाणी उन्होंने बताया कि 29 और 30 के बीच में ऐसा कुछ होने वाला है, तो 29 को ही ये रिजल्ट हमें दिख गया कि जो स्कोरिंग की है इंडिया ने वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बड़ी स्कोरिंग नहीं है। कोई भी अच्छी टीम अगर जरा सी भी थोड़ा मतलब वेल प्लेड हो तो वो बहुत अच्छे से बहुत इजीली उसको बीट कर सकती है। तो मतलब यही है। तो लेकिन और अभी मैं देख रही थी तो उनके ऑलमोस्ट 5 विकेट जा चुके हैं, जो बुमरा करके कुछ उनका प्लेयर है उन्होंने वो किए हैं, और हमारी तरफ से KR राहुल और वो, तो बहुत ही अच्छे इस बार हमारे पास काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं। इसको लेके मैं पाकिस्तान की ओपिनियन देख रही थी कि काफ़ी कुछ उन्होंने बोला और वहाँ के एक महान भाव थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हमें तो अपने भारत से प्यार है, वो हमारा तो अपने पाकिस्तान से प्यार है, हमारा पाकिस्तान कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारा पाकिस्तान जीते, वरना हमारे लिए वर्ल्ड कप के कोई मायने नहीं है। तो ये सुन के लगता है कि बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हैं। तो ये आप सुन सकते हैं। और मेरी ये मैच को लेकर अपडेट्स आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे अगर मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो आपको तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।